बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय अल्पाइन एकेडमी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट, सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो। बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 द किंगडम प्लांटिड, इसका इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस कर लेंगे। द किंगडम प्लांटिड। The evolutionary history of the plant kingdom is a story of adaptation to changing terrestrial condition. All plants are multicellular eukaryotes that are photosynthetic autotrophs. Evolutionary हिसाब से अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जो plants हैं वो algae से rise हो गए हैं, क्योंकि algae जो है वो aquatic medium में रहते थे, यानी aquatic environment में जो है वो survival करते थे, और एक time ऐसा आया कि जो algae हैं वो आके ज़मीन पर रहना शुरू हो गए, तो उनमें जो है कुछ चेंजेस आ गई, कुछ एडेप्टेशन उनमें आ गए, जिसकी बिना पर जो है प्लांट जो है वो डेवलप हो गए। प्लांट्स की खासियत ये है कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी बाउंडेड न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में ये अपनी खुराक जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खुद ही तैयार कर लेते हैं। However, not all organisms with these characteristics are plants, such as characteristics are also play to some algae. ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो खसूसियात है ये सिर्फ प्लांट में हो, तो ये खसूसियात जो हैं ये ऑटोट्रॉप्स होना या फोटोसिंथेटिक होना, यूकेरियोट्स, मल्टीसेल्युलर, ये बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यूकेरियोट्स जो हैं ये ऐसी खसूसियात है जो एलजी में भी होती थी, इसीलिए पहले एलजी को किंगडम प्लांट में रखा गया था। लेकिन एलजी जो है ऐसा किंगडम है जिसमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिसमें एनिमल लाइक करेक्टर भी होते हैं और प्लांट लाइक करेक्टर्स भी उनमें होते हैं। प्लांट सेल्स हैव वॉल्स मेड मोस्टली ऑफ सेलुलोज एंड प्लांट स्टोर देयर सरप्लस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो है उनमें एक वॉल होती है जो बनी हुई होती है सेलुलोज से, यहाँ पे सेल्स लेवल में बात हो रही है, प्लांट का सेल जो है उसके इर्द गिर्द एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। और प्लांट में ये एबिलिटी होती है कि जो उनमें कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट शेयर इवन मोर करेक्टरिस्टिक्स विद देयर क्लोजेस्ट एल्गल रिलेटिव्स द ग्रीन एल्जी। प्लांट जो हैं इसकी कुछ खसूसियात जो हैं वो एलजी से सेम होती हैं या शेयर करती हैं, वो जो हैं इनके एग्जांपल जो हैं वो ग्रीन एलजी हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बोथ ग्रीन एलजी, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन एलजी की बात हो रही है कि उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल बी है, दोनों में क्लोरोफिल बी जो है एज एसेसरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक का। यहाँ पे ये क्लोरोफिल बी जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है और एलजी में भी पाया जाता है। ऑल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स रिमेंबर यूज क्लोरोफिल ए एज द पिगमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और जो जितने भी फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकेरियोट्स जो होते हैं, उनमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसका काम ये होता है कि वो डायरेक्टली जो है जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में अपना रोल प्ले कर लेता है। Living on land poses very different problems from living in water, and it is a set of structural, chemical, and reproductive adaptations for terrestrial living that distinguish plants from algae. ये जो कुछ खसूसियात होती हैं इनके स्ट्रक्चर, केमिकल्स और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इनके होते हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट होते हैं एलजी से, क्योंकि एलजी जो हैं वो एक्वेटिक मीडियम में होते हैं, तो उनका जो लाइफ स्टाइल, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है, उनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, जो रिप्रोडक्टिव जो इनके ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट से, क्योंकि एलजी जो हैं वो प्लांट वाटर में रहते हैं या एक्वेटिक मीडियम में ये होते हैं, तो इनके लिए जो है रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी होता है, जबकि प्लांट्स के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। In terrestrial habitat, the resources of photosynthetic organism need are found in two very different places. जो terrestrial habitat में रहने वाले photosynthetic जो organisms होते हैं, plants जो होते हैं, उनके लिए दो different places का होना ज़रूरी होता है।
लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेनली अवेलेबल अबव द ग्राउंड. जो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अबव द ग्राउंड पाया जाता है, वहाँ पे मौजूद होता है. तो इनका जो अपर पार्ट होता है, जो सॉइल से ऊपर जो का जो पार्ट होता है, उसके लिए लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बगैर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड मेनली इन द सॉइल. जबकि जो जो सॉइल का जो पोर्शन होता है, जो अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है, वहाँ पे जो रूट्स वगैरह होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो वाटर को और मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. दस द कॉम्प्लेक्स बॉडीज ऑफ प्लांट शो वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन इंटू सबस्टरेनियन एंड एरियल ऑर्गन्स, रूट एंड लीफ बेयरिंग शूट्स रिस्पेक्टिवली. इसीलिए जो है प्लांट की बॉडी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो खास स्ट्रक्चर होते हैं, कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो अबव द ग्राउंड होंगे, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बिलो द ग्राउंड होंगे. इसी तरह रूट्स और जो लीव्स वगैरह हैं, इनकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, इनका स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, और इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. हमने पहले डिस्कस किया कि जो शूट्स हैं जिनमें लीफ हैं, स्टेम हैं, या फिर इसके बाकी जो पार्ट्स होते हैं अबव द ग्राउंड, वो शूट्स में शामिल होते हैं, जबकि रूट जो है वो बिलो द ग्राउंड होता है या अंडर द सॉइल ही होता है. इन मोस्ट प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द एटमोसफेयर एंड फोटोसिंथेटिक इंटीरियर ऑफ लीव्स अकर वाया स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स थ्रू द सर्फेस ऑफ लीव्स. अब सरफेस ऑफ लीव्स में जो है, अगर लीफ को हम माइक्रोस्कोपिक उसके हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है ये पोर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख वहाँ पे मौजूद होते हैं. और लीफ में जो है एक और खसूसियत थी कि उनमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं. इनके ज़रिए, इन पोर्स और स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट्स में एक्सचेंज होती हैं गैसेस का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो, वहाँ से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर में. टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर आर कम्प्लीमेंटेड बाय केमिकल एडेप्टेशन. जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो होती है प्लांट स्ट्रक्चर की, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से होती है. फॉर एग्जांपल, एरियल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सच एज लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग कॉल्ड अ क्यूटिकल विच हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, अ मेजर प्रॉब्लम ऑन लैंड. अच्छा, जो प्लांट्स का जो एरियल पार्ट होता है, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं, उनमें एक ऊपर एक कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, वो उसका काम यही होता है कि वो वाटर लॉस से उसको बचाता है प्लांट को. वो उसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो वैक्सी जो लेयर होती है, जो कोटिंग होती है, उसको क्यूटिकल कहा जाता है. और इसका काम यही होता है कि वो वाटर को लॉस होने से रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं प्लांट को, जिसके बिना पर क्या होता है, वाटर जो है उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है, और जो प्लांट है वो डिहाइड्रेशन से बच जाता है. अगर अपर लेयर उसकी हटाई जाए, जो क्यूटिकल है वो हटाई जाए, तो वहाँ से वाटर लॉस होगा और प्लांट जो है वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन नहीं रख सकता. द वैक्सेस ऑफ द क्यूटिकल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट. जो क्यूटिकल हैं, जिनको हमने कहा था कि ये वैक्सी कोटिंग होती है प्लांट लीव्स में या एरियल पार्ट में, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है प्लांट्स का. अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इज लेग्निन, द सब्सटेंस डेट हार्डन्स द सेल वॉल ऑफ वुडी टिश्यूज इन मेनी प्लांट्स. जबकि दूसरी जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोडक्ट की टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में, लेग्निन है. ये वो सब्सटेंस है जो सेल वॉल को हार्ड बनाता है, और इसी की वजह से जो है, इसी से जो है प्लांट के जो वुडी टिश्यूज है वो बनते हैं. अ सेकेंडरी प्रोडक्ट पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द एवोल्यूशनरी मूव्स ऑफ प्लांट ऑन टू लैंड वाज स्पोरोपोलिनिन, अ पॉलीमर डेट इज रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज. जो एक और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, तो इन ये जो प्लांट्स में इनकी जो डिपोजिशन होती है स्पोरो पोलिनिन की, ये पॉलीमर होता है और ये रेजिस्ट करता है जितने भी जो इन्वायरमेंटल डैमेज जो होता है प्लांट्स की वजह से,
सॉरी एनवायरनमेंट की वजह से प्लांट को अगर कोई भी डैमेजेस का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़े जिसकी वजह से प्लांट डैमेज हो रहा हो, तो उससे रोकने के लिए प्लांट्स में जो है स्पोरोपोलिनिन मौजूद होता है। तो तीन हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गए, एक क्यूटिकल हुआ, दूसरा लिग्निन, जबकि तीसरा जो है स्पोरोपोलिनिन जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इनफैक्ट द फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ प्लांट इज ड्यू मेनली टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन एंड मटेरियल्स ऑफ क्यूटिकल। जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं प्लांट की, वो स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन और जो क्यूटिकल्स हैं प्लांट में, इनकी जो कंपोजिशन है उनकी वजह से प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो स्टडी किया जा सकता है। अगर कोई प्लांट जो है जिसकी डेथ हो जाए और वो कई सालों तक, चाहे वो किसी चट्टान के नीचे, चट्टान के बीच में वो पड़ा रहे, तो इन्हीं खसूसियात की बिना पर कि उनमें स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन और क्यूटिकल्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से उनके रिमेन्स वहाँ पर रहते हैं, बाकी जो पार्ट होता है प्लांट का वो डिकम्पोज हो जाता है। द मूव ऑन टू लैंड पैरेलल्ड अ न्यू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि जो एलजी वगैरह, हमने कहा था कि पहले जो है वो एक्वेटिक मीडियम में ये रहते थे, बाद में जो है इनमें कुछ ये आके ज़मीन पर रहने लगी और इनमें कुछ ऐसी खसूसियात हो गई कि वो एलजी से डिफरेंट होती हैं, या फिर कुछ खसूसियात जो हैं वो एलजी से मिलती जुलती हैं। तो जब ये प्लांट जो हैं आ गए ज़मीन पर, तो इनमें एक रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बिल्कुल नया हो गया, उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हो गया। इन कंट्रास्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच अलगल रिप्रोड्यूस, गैमेट नाउ हैड टू बी डिस्पर्स्ड इन अ नॉन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एंड एम्ब्रियो लाइक मैच्योर बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर हैड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेसिकेशंस। अब जो है हमने कहा था कि जो एलजी है उसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी होता है, और इनके कंट्रास्ट में जो एनवायरनमेंट जहाँ पे एलजी प्रोड्यूस करते थे, अब गैमेट्स जो है वो उनके डिस्पर्स होने के लिए जो है एक्वेटिक मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, एक्वेटिक मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर, और एम्ब्रियो जो है उनके लिए कोई एक्वेटिक मीडियम की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो है इनमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक्वेटिक, सॉरी, ये जो एक्वेटिक जो मीडियम में रहते थे प्लांट्स जो रहते थे, एलजी वगैरह जो रहते थे, उनमें ये होता था कि जो एम्ब्रियो हैं वो पेरेंट बॉडी में प्रोटेक्टेड नहीं रहता था, जबकि अभी जो लैंड में आके इनमें जो एडेप्टेशन आ गई, तो अब जो लैंड प्लांट हैं उनमें ये खसूसियत इनमें जो है डेवलप हो गई कि उनका जो एम्ब्रियो है वो मेच्योर प्लांट में ही प्रोटेक्टेड रहता है। एयरली प्लांट प्रोड्यूस देयर गेमीट्स विद इन गेमेटेंजिया, ऑर्गन्स हैविंग प्रोटेक्टिव जैकेट्स ऑफ स्टेराइल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स डेट प्रिवेंट द डेलिकेट गेमीट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। जो एयरली जो प्लांट होते थे वो अपने गेमीट जो है वो गेमेटेंजिया में बनाते थे, और ये जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक प्रोटेक्टिव, एक लेयर या समझ ले एक प्रोटेक्टिव जैकेट जो है इनमें बनी हुई होती थी, जो स्टेराइल होती थी, यानी वो नॉन रिप्रोडक्टिव होती थी, और इसका काम यही था कि ये जो गेमीट्स हैं उसको क्या कर लेता था, वो जो इन्वायरमेंट है, जो ड्राइंग इन्वायरमेंट है उससे इसको प्रोटेक्ट रखता था। द एग इज़ फर्टिलाइज विद इन द फीमेल गेमेटेंजियम। अब प्लांट में ये होता है कि जो एग है वो फीमेल गेमेटेंजियम में फर्टिलाइज्ड होता है, वेयर द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब वहाँ पे फीमेल गेमेटेंजियम में जो है जायगोट डेवलप होता है, वहाँ पे जायगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। डेट इज रिटेन एंड नरिश्ड फॉर सम टाइम विद इन द जैकेट ऑफ प्रोटेक्टिव सेल। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये रिटेन रहता है और वहीं पर ही नरिश्ड होता है, जो प्रोटेक्टिव जो सेल्स जिनको हमने कहा था जैकेट्स के हैं, वहाँ पे ये आप अपने आप को नरिश करेगा और वहाँ पे ये एम्ब्रियो जो है वो रिटेन रहेगा। इन कंट्रास्ट डेवलपिंग एलजी आर नॉट रिटेन एज एम्ब्रियो विद इन अ पेरेंट। जबकि एलजी में जो है ऐसा नहीं होता है कि एम्ब्रियो जो है वो प्लांट बॉडी में अपने आप को रिटेन रख सके। दीज डिफरेंसेस इज सो फंडामेंटल दैट अडप्ट सॉरी दिस डिफरेंस इज सो फंडामेंटल डेट प्लांट्स आर समटाइम रिफर्ड टू एज एम्ब्रियोफाइट।
इसी खसूसियत की बिना पर के जो एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है विद इन फीमेल गेमेटेंजियम प्लांट बॉडी, इसी खसूसियत की बिना पर जो है जो प्लांट से उनको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। अ टर्म डेट एम्फेसाइज अ की एडेप्टेशन डेट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑन लैंड, यानी यही एक खसूसियत इनमें है कि यही ये भी एक खसूसियत है कि इसी वजह से ये ज़मीन पर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जितने भी हमने जो फीचर्स डिस्कस कर ली प्लांट्स के बारे में, अब इनका एक निचोड़ जो है उससे एक प्रॉपर जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि प्लांट में वी डिफाइंड एज मल्टी सेलर यूकेरियोट्स डेट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्लोरोफिलर्स विद सेल वॉल प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेलुलोज एग्जिबिटिंग हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड जायगोट रिटेन्ड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जो प्लांट की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो बन रही है, प्रॉपर डेफिनेशन ये बन रही है कि प्लांट जो है वो मल्टी सेलर यूकेरियोट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ये हैं, क्लोरोफिल इनमें मौजूद होता है, सेल वॉल इनमें मौजूद होता है जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है, बाकी मटेरियल्स भी इनमें मौजूद होते हैं सेल वॉल में, लेकिन जो प्राइमरी जो इसका जो मटेरियल जो है वो सेलुलोज हैं। ये इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स इनमें जो बॉडी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट बनाता है, गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बनाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस जो अमल को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हमने एलजी में पढ़ा था कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो थी ये आइसोमॉर्फिक थी, यानी उनकी जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट बॉडी में जो है कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता था, वो बिल्कुल सेम होती थी, यानी उनके स्ट्रक्चर में जो है कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता था, इसलिए उनको आइसोमॉर्फिक कहा जाता था। लेकिन प्लांट में जो है उनमें डिफरेंस पाया जाता है जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, इसलिए उनको कहा जाता है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये प्लांट में जो है जायगोट रिटर्न रहता है और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये तमाम खसूसियात है, ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाएँ तो वो प्लांट्स कहलाते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03183188660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9231831860, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।